यूपी को नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ से ज्यादा विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य दिया गया है। सवाल है कि क्या नमो ऐप 2024 के चुनावों में विपक्ष को धराशाही कर पाएगा? मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बार विपक्ष को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने कुछ बड़ा और नया प्लान बनाया है, यानी बीजेपी अब नमो ऐप को 2024 के लिए चुनावी हथियार बनाएगी। यूपी को नमो ऐप के जरिए 100 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य दिया गया है, यानी हर संगठनात्मक जिले को 2 लाख एम्बेसडर बनाने हैं। बड़े जिलों के लिए ये संख्या ज्यादा हो सकती है। यही रही पार्टी के लिए माइक्रो डोनेशन जुटाने का भी लक्ष्य रखा गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलग अलग अभियानों को धार देने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में नमो ऐप के जरिए बीजेपी ने विकसित भारत अभियान की शुरुआत की है, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में इस अभियान के जरिए बीजेपी ने लक्ष्य तय किया है 2 करोड़ विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का। देखा जाए तो इसको लेकर कल एक लखनऊ में कार्यशाला भी रखी गई थी, जिसमें प्रदेश भर के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन अब बीजेपी जिला वाइज जो कार्यशाला है वो आयोजित करने जा रही है, और जो बीजेपी के संगठनात्मक जिले हैं सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले में कम से कम 2 लाख विकसित भारत एम्बेसडर बनाए। बताया जा रहा है कि यूपी के 3 करोड़ लोगों को नमो ऐप डाउनलोड कराया जाएगा। प्रदेश में युवाओं, महिलाओं, वकीलों, डॉक्टरों, उद्यमियों समेत हर वर्ग के लोगों को अभियान से जोड़ते हुए विकसित भारत एम्बेसडर बनाना है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 7 दिसंबर को इसकी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि विकसित भारत एम्बेसडर वैसे लोगों को बनाया जाए जो भारत को विकसित बनाने का सपना देखते हैं, जो संकल्प और साधन के साथ समर्पित हो। अब सवाल है कि 2024 में नमो ऐप कितना कारगर होगा? क्या विपक्ष के पास नमो ऐप का कोई जवाब है? 100 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा विकसित भारत एम्बेसडर चुनावी जंग में निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। देखा जाए तो इस अभियान के जरिए बीजेपी की कोशिश ये है कि जो बीजेपी की कार्यकर्ता है वो तो नमो ऐप का इस्तेमाल करें ही, लेकिन अब पहली बार बीजेपी आम लोगों के बीच भी इस ऐप के जरिए जाने वाली है। देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है, और चूंकि बीजेपी ने यहां पर लक्ष्य तय किया है 80 सीटों को जीतने का, वैसे में माना जा रहा है कि इस अभियान के जरिए बीजेपी माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। वीडियो जर्नलिस्ट सब्रजन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।